हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही टेस्टी फ्राइड राइस बनाएंगे जो खाने में तो डिलीशियस ही है, साथ में न्यूट्रिशंस भी है भरा हुआ है, क्योंकि इसमें कलरफुल सब्जियों के साथ ही पनीर और न्यूट्रीला का भी यूज़ किया गया है जो बच्चों को हेल्दी भी बनाता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं कभी भी कोई रेसिपी डालूँगी तो वो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। रेसिपी पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ, और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कभी भी आपके पास चावल रखे हुए हैं, आपने बनाए हैं तो बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर, आप उसके अलावा जो है गाजर ले लीजिए, इसको मैंने लंबा लंबा स्लाइसिस में काटा है। शिमला मिर्च, इन्हें भी मैंने लंबा काटा हुआ है। प्याज, इन्हें भी मैंने लंबा काटा हुआ है, उनको अलग अलग कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी काटा, आप कोई और भी सब्जी ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं उबले हुए। और ये न्यूट्रीला जो मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, निचोड़ दिया है उन्हें। चावल जो मैंने पहले से ही बॉयल करके रखे हुए हैं। इसके अलावा तेल चाहिए और नमक और ये मसाला है मैजिक। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। बच्चों को मैगी मसाला पसंद आता है तो आप वो डाल दीजिए, अदरवाइज आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन जैसे ही गर्म होगा इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल आपको जितना डालना हो, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा तो थोड़ा सा भी डाल सकते हैं। जैसे ही इसमें हीट थोड़ी सी लगने लगेगी तो हम इसमें प्याज डाल देंगे सबसे पहले। अब प्याज को हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं, हल्का सा बस हमें गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि हल्की हल्की सब्जियाँ थोड़ी सी कच्ची रहती फ्राइड राइस में अच्छी लगती है। अभी गाजर जो मैंने लंबी काटी हुई थी, इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च, इन्हें भी हम डाल देंगे, इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे। इसे भी हल्का सा चला लेंगे, इन्हें भी ज़्यादा जलाना नहीं है वरना पनीर सख्त हो जाते बहुत। अब न्यूट्रीला डाल देंगे जो मैंने पहले से ही बॉयल किए हुए थे। न्यूट्रीला को हल्के से गर्म पानी में डाल दीजिए, उसका निचोड़ के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के फिर उन्हें हम यूज़ करते हैं। इसके बाद नमक डाल दीजिए, फिर थोड़ी देर चला लीजिए। नमक जो है सब्जियों में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि जो चावल है उसमें भी हम नमक डालेंगे वो उसके लिए रहेगा, पर सब्जियों में फीका पन्ना लगे इसलिए अब इसमें हम चावल डाल देंगे जो मैंने पहले से ही बॉयल करके रखे हुए थे। आप दोपहर के भी चावल ले सकते हैं या कभी बचे हुए चावल हैं तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी बच्चों का कुछ खाने का मन, अगर चावल रखा है तो आप इसको बना दीजिए, बच्चे बहुत ही टेस्ट से खाएंगे और बच्चों के पेट में भी कुछ अनाज जाएगा, वो काफ़ी न्यूट्रिशंस है ये, काफ़ी सब्जियाँ वगैरह पड़ी, पनीर भी पड़ा है जो बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा मैं यहाँ पे बिरयानी मसाला डाल लूँ, आप चाहें तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, वो बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को। और इसे भी हम डाल के चला देंगे अच्छे से। अगर आपने चावल में पहले से ही नमक डाल के बॉयल किया है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसमें आप ऊपर से हल्का सा नमक चावल में और डाल दीजिए, सब्जियों में पहले ही डाल रखा है हमने, इसे अच्छे से बस चला देना है, थोड़ा सा कुक हो जाए। अब ये देखिए बन के आपके फ्राइड राइस तैयार है, देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और बच्चे जो है बाहर के स्नैक्स वगैरह खाते हैं, उससे बेटर है आप इस टाइप की चीज़ बच्चों को बना के खिलाइए तो बच्चे ये खाएंगे और उनके शरीर में भी कुछ अच्छा एनर्जी आएगी, और कुछ भी नुकसानदायक चीज़ इसमें नहीं है। तो आप इसे बनाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए मेरा वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी मैं ऐसी नई नई डिशेस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।